दोस्तों गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। मैं इस टाइम आपसे ब्लैक कमांडो आरके भैया आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों किसी भी एकेडमी के अंदर कोई भी बच्चा कभी भी जाए तो सबसे पहले किसी भी एकेडमी में जाओ उसका मेडिकल होता है सबसे पहले, और वहां का कोच या वहां के डायरेक्टर होता है उसका बॉडी स्ट्रक्चर चेक करते हैं सबसे पहले कि मेरे बच्चे का यहाँ पे आया है कितने दिन में इसका फिजिकल फिटनेस हो जाएगा। पहले बात मेडिकल, यदि बच्चा अनफिट होता है परमानेंट के लिए तो बच्चे को बता दिया जाता है कि आपके ये पॉइंट है। यदि हाथ का मान लो कि आपके हाथ का पॉइंट है, हाथ में बेंड है, तो 100% बच्चे को बता दिया जाएगा कि आपके हाथों में बेंड है। कुछ एक्सरसाइज हैं उनसे कुछ डिग्री तक हाथ है वो सीधे किया जा सकते हैं, और इंडियन आर्मी के अंदर 12 डिग्री से लेकर 16 डिग्री तक शायद कोई डॉक्टर होते हैं वो पास कर देते हैं। 16 से ज्यादा यदि हाथ में बेंड होता है तो उस लड़के को पास नहीं किया जाता है। उसके बाद में बच्चे का नाक का हड्डी से कोई मतलब नहीं है, हड्डी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, एक साइड से नाक क्या बंद नहीं होना चाहिए, दोनों नाकों से सांस आना चाहिए। इंडियन आर्मी में जरूरी नहीं है कि आपकी नाक तोते जैसी हो, ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है। प्रोसीजर इतना ही है कि दोनों बच्चे को नाक से अच्छी तरीके से सांस आना चाहिए। उसके बाद में आईज है, आईज बिल्कुल आईज का रोटेशन जो हम कहते हैं महंगापन ऐसे नहीं होना चाहिए, आंखें टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में जो पुतली है वो भी ठीक ढंग से होनी चाहिए, वो सारी चीजें चेक करते हैं। रेड कलर भी नहीं होना चाहिए आईज के अंदर, किसी बच्चे के यहाँ पे मांस बढ़ जाता है वो भी दिखता है, वो भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आते हैं अपन टीथ के ऊपर, मुगरों आपके 28 दांत होने अनिवार्य है। दांत ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसे, लेकिन 28 दांत होने जरूरी है इंडियन आर्मी के लिए। उसके बाद में आपके कान आते हैं, कान आप हमेशा डॉक्टर से चेक करवाएं और साफ करवा के जाएं। आई के अंदर एक कलर ब्लाइंडनेस आता है वो भी आपको चेक करवाना चाहिए। उसके बाद में 6x6 है वो भी आपको चेक करना चाहिए। उसके बाद आपके बॉडी का स्ट्रक्चर है वो चेक करना है। यदि बच्चे का बॉडी का स्ट्रक्चर शानदार तरीके से बढ़िया है, स्ट्रक्चर बॉडी का जब भी बनेगा जब आप बॉडी पार्ट्स की हर पार्ट की एक्सरसाइज करेंगे, और आपको पता लग जाएगा कि जैसे मैंने आज इस बच्चे को देखा तो मुझे कन्फर्म है ये रात और दिन मेहनत करे तो 6 महीने के अंदर जाके फिट होगा। अदरवाइज ये कितना ही जोर लगा ले कुछ भी कर ले 6 महीने इसके लग ही जाएंगे। आपके ये पेट बिल्कुल भी निकला हुआ नहीं होना चाहिए, आपका बॉडी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने अभी खड़ा हूं, मैं खुद सर्विस करके भी आ गया, मुझे इतने दिन भी हो गए, लेकिन आप बॉडी को मेंटेन रखो और अपनी बॉडी को बिल्कुल फिटनेस रखो। उसके बाद में आपका चिनअप के लिए शोल्डर्स की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए जिसे आपकी चिनअप लग सके, वो भी आपका पता लग जाए। आप जब मेडिकल करते हैं जब भी पता लग जाता है बच्चे का कि हाँ भाई स्ट्रक्चर कैसा है। पीछे घूमो, अभी जैसे ये बच्चा है पीछे घूमते ही इसका पता लग गया कि भाई इस बच्चे के यहाँ पे मेद है, ये गांठ दिखाई दे रही है तो इसका पॉइंट बन सकता है। इसके दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, पेन नहीं है, लेकिन इंडियन आर्मी के अंदर इसका पॉइंट क्या है वो बन सकता है। कोई जरूरी नहीं है, कोई डॉक्टर अच्छा होता है वो देख के ठीक है चला देता है, और कोई होता है वो पॉइंट इसको देता है, तो स्पेशलिस्ट के पास में जाएगा जब भी पता लगेगा कि बीमारी क्या है। उसके बाद में रीढ़ की हड्डी चेक करते हैं, ये भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसके बाद में बच्चे पैर मिलाओ बेटा, यस, यहां से भी इसका पूरा वेंस वगैरह सब चेक की जाती है। उसके बाद नोकनी का इधर से भी पता लगता है, फॉरवर्ड से भी पता लग जाता है। उसके बाद में फ्लीट चेक करते हैं, बेटे ऊपर करो, फ्लीट्स के अंदर सब कुछ आ जाता है, पूरा पैर आ जाता है, इसके अंदर फिंगर्स भी आ जाता है, ये पैर की जो अंगुलियां हैं ये सारी की सारी आ जाती है, यहां तक कि टो है जो जितना भी टो है ये जुड़ी हुई तो नहीं है या कोई आगे बढ़ी हुई तो नहीं है। उसके बाद में फ्लीट भी आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे एंकल्स भी डॉक्टर एक बार क्या करता है ऐसे करके चेक करते हैं, चेंज करो, यस ये फिट है लगभग लड़का, ठीक है ओके। तो इस प्रकार कहीं भी जाओ सबसे पहले ये चीजें आप खुद भी चेक कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है एकेडमी के अंदर, आपको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और सबसे पहला कॉन्फिडेंस तो आपको यही होना चाहिए कि आपका फिजिकल फिटनेस हो। आप यदि फिजिकल फिटनेस है तो उसके बाद में आप एकेडमी ज्वाइन करो तो मजा आएगा आपको, क्योंकि एकेडमी के अंदर तो पॉलिश की जाएगी फिर शानदार तरीके से। आपको हर बच्चा रेस तो हर बच्चा करता है, और आज के दिन आपको एकेडमी चेक कहीं भी ज्वाइन करो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। लगभग 95% बच्चों को एकेडमी ज्वाइन करे बगैर रेस क्लियर होना मुश्किल है, और ये तो यही फार्मूला है। जो आपने पहले एक्सीलेंट मार दिया, सुपर एक्सीलेंट मार दिया, आपने फिर 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए ड्रॉप कर दिया तो मामला वापस वहीं आके अटक जाएगा, और आप क्या सोचोगे कि मैं तो रेस क्लियर कर लूंगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मेहनत का खेल है, और मेहनत कीजिए यदि आप देश सेवा के अंदर जाना चाहते हैं तो। कोई भी शॉर्टकट नहीं है जीवन के अंदर सफल होने का किसी भी प्रकार का। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। ठीक है।